भी पैसा खर्च नहीं करते मेरी एक मित्र है जो एक अमीर महिला है अभी हाल में उनके घर पर चोरी हो गई चोरों उनके घर से टीवी और बी ले गए और किताबें जैसी कि तैसी छोड़ गए और हम सभी के पास इसी तरह के विकल्प मौजूद होते हैं एक बार फिर दोहरा दू नब्बे फीसदी लोग टीवी सेट खरीदते हैं और केवल 10 फीसदी लोग बिजनेस पर पुस्तकें या निवेश पर टेप खरीदते हैं और मैं क्या करता हूँ मैं सेमिनार में जाता हूँ मैं ऐसे सेमिनारों को पसंद करता हूँ जो कम से कम दो दिन लंबे हो क्योंकि मैं विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ उन्नीस में मैं टीवी देख रहा था और एक व्यक्ति मेरे घर आया वह तीन दिन के सेमिनार का विज्ञापन कर रहा था कि किस तरह पैसा न होते हुए भी रियल इस्टेट खरीदी जा सकती है मैंने तीन डॉलर खर्च किए और उस सेमिनार की शिक्षा मेरे इतने काम आई कि मैंने उससे कम से कम 20 लाख डॉलर कमाए होंगे परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इससे मुझे नया जीवन मिला मुझे ज़िंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा और इसका कारण होगा वह एक सेमिनार मैं हर साल कम से कम दो ऐसे सेमिनारों में जाता हूँ मैं ऑडियो टेप का भी प्रेमी हूँ कारण मैं उन्हें तत्काल पीछे कर सकता हूँ मैं पीटर लिंच के टेप को सुन रहा था और उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे मैं पूरी तरह असहमत था हठी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने रिवाइंड बटन दबा दिया और उस पाँच मिनट के टुकड़े को कम से कम बीस बार सुना शायद इससे भी ज़्यादा बार परंतु अचानक मेरे दिमाग को खुला रखने से मैं समझ गया कि उन्होंने वह बात क्यों कही थी यह जादू की तरह था मुझे ऐसा लगा कि मैंने हमारे समय के सबसे बड़े निवेशक के दिमाग की एक खिड़की खोल ली थी उनके ज्ञान और अनुभव के विराट संसाधनों में मुझे बहुत ज़्यादा गहराई और अंतर्दृष्टि मिली इसका परिणाम यह हुआ कि मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूँ और मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का पीटर का तरीका भी मौजूद होता है मेरे पास एक विचार होने के बजाय दो विचार होते हैं किसी भी समस्या या प्रवृत्ति के विश्लेषण का एक और तरीका जिसे जानना बहुमूल्य है आज मैं अक्सर कहता हूँ पीटर लिंच इसे किस तरह करेंगे या डोनाल्ड ट्रंप या वारेन बोफे या जॉर्ज सोरोस मेरे पास उनकी बृहद मानसिक ताकत तक पहुँचने का रास्ता यही है कि मैं उनकी कही हुई बातों को सुनूँ या उनकी लिखी हुई बातों को पढ़ूँ ज़िद्दी या आलोचनात्मक लोग प्रायः कम आत्मसम्मान वाले होते हैं जो खतरे उठाने से डरते हैं अगर आप कुछ नया सीखते हैं तो आपने सीखे हुए ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए आपको कुछ गलतियाँ भी करनी पड़ती हैं अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया है तो एक बात तो तय है कि आप ज़िद्दी नहीं हैं जिद्दी लोग पुस्तकें कम ही पढ़ते हैं या टेप कम ही खरीदते हैं उन्हें इनकी क्या ज़रूरत है वे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं ऐसे बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं जिनके सामने कोई नया विचार आने पर वे वाद विवाद करने लगते हैं अगर वह नया विचार उनके सा... सोचने के तरीके से अलग होता है इस प्रकरण में उनकी तथा कथित बुद्धि उनकी हड्डर्मिता के साथ मिलकर अज्ञान बन जाती है हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या जो मानते हैं कि वे बहुत स्मार्ट है परंतु उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है वह नए विचारों का स्वागत करता है क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग कर सकते हैं बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सुनना अगर यह सही नहीं होता तो भगवान ने हमें दो कान और एक मुंह नहीं दिए होते हैं। बहुत से लोग अपने मुंह से सोचते हैं और सुनते समय नए विचारों तथा संभावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करते सवाल पूछने के बजाय वे बहस करने लगते हैं मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टि रखता हूँ मैं फटाफट अमीर बनने की मानसिकता में भरोसा नहीं करता जो ज़्यादातर लॉटरी खोलने वालों या कैसेनों के जुआरियों में पाई जाती है मैं शेयर खरीद सकता हूँ शेयर बेच सकता हूँ परंतु मैं शिक्षा के मामले में दूरगामी विचार रखता हूँ अगर आप एक हवाई जहाज़ उड़ाना चाहते हैं तो मैं आपको पहले इसे सीखने की सलाह देना चाहूँगा मैं ऐसे लोगों को देखकर हमेशा स्तब्ध रह जाता हूँ जो स्टाक या रियल इस्टेट खरीदते हैं परंतु अपनी सबसे बड़ी दौलत में बिल्कुल निवेश नहीं करते जो उनका दिमाग है केवल एक या दो घर खरीद लेने से आप रियल इस्टेट के क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं बन जाते तीन अपने दोस्तों को सावधानी से चुने साथ रहने की ताकत सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं अपने दोस्तों को उनकी अमीरी के हिसाब से नहीं चुनता मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने गरीबी में जीने की कसम खाई है और ऐसे दोस्त भी हैं जो हर साल करोड़ों कमाते हैं मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूँ और मैं पूरा मन लगा कर उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ मैं यह मानता हूँ कि मैंने अमीर लोगों की तलाश की है परंतु मेरी नज़र उनकी दौलत पर नहीं बल्कि उनके ज्ञान पर थी कई मामलों में ऐसे अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए जबकि कई बार ऐसा नहीं हुआ परंतु मैं आपको एक अंतर बताना चाहूँगा मैंने यह पाया है कि मेरे पैसे वाले दोस्त पैसे के बारे में बात करते हैं और मेरा यह मतलब नहीं है कि उन्हें पैसे का घमंड है वे इस विषय में रुचि रखते हैं इसलिए मैं उनसे सीखता हूँ और वे मुझसे मेरे वे दोस्त जो आर्थिक दलदल में फंसे हुए हैं वे पैसे व्यवसाय या निवेश के बारे में बात करना पसंद नहीं करते उनकी नज़र में ऐसा करना मूर्खतापूर्ण या बेमानी होता है इसलिए मैं अपने गरीब दोस्तों से यह सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में अरबों डॉलर कमाए हैं उनमें से तीन ने एक ही अनुभव बताया है उनके गरीब दोस्त उनसे यह पूछने कभी नहीं आए कि उन्होंने ऐसा किस तरह किया है परंतु वे उनसे दो में से एक चीज़ या दोनों ही चीज़ों के बारे में मदद मांगने आए हैं कर्ज नौकरी चेतावनी गरीब या डरे हुए लोगों की मत सुनिए मेरे करी कई गरीब दोस्त हैं जिनसे मैं प्रेम भी करता हूँ परंतु वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं जब पैसे की बात आती है ख़ासकर निवेश की तो उनकी नज़र में आसमान हमेशा गिरने वाला होता है वे आपको हमेशा यह बात आ सकते हैं कि कोई चीज़ क्यों कामयाब नहीं होगी समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं और जो लोग इन निराशावादी विचारों को आँख मूंद कर मान लेते हैं वे भी छोटे मुर्गे बन जाते हैं जैसा एक पुरानी कहावत है एक जैसे विचार वाले लोगों में सहमति होती है अगर आप सी एन बी सी देखते हैं जो निवेश की सूचना देने वाली सोने की खदान है तो उनके पास अक्सर तथा कथित विशेषज्ञों का पैनल होता है एक विशेषज्ञ यह कहेगा कि बाज़ार धराशायी होने वाला है और दूसरा यह कहेगा कि बाज़ार में उठाव आने वाला है अगर आप स्मार्ट हैं तो आप दोनों की बात सुनेंगे अपने दिमाग को खुला रखें क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं। दुर्भाग्य से ज़्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं मेरे बहुत से करीबी मित्र हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए अपने तर्क देते हैं कुछ सालों पहले मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि वह इसलिए रोमांचित था क्योंकि उसे अपनी जमा पूँजी पर छः फीसदी ब्याज वाला बॉन्ड मिल गया था मैंने उसे बताया कि मैं सरकार से सोलह फीसदी ब्याज कमा रहा हूँ अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेज दिया जिसमें यह लिखा था कि मेरा निवेश क्यों खतरनाक था मैं सालों से सोलह फीसदी ब्याज कमा रहा हूँ और वह अब भी छः फीसदी ब्याज ही ले रहा है मैं तो यह कहूँगा कि दौलत बनाने में सबसे कठिन चीज़ यह है कि आप अपने प्रति ईमानदार रहें और भीड़ के साथ चलने की इच्छा न रखें बाजार में आमतौर पर भीड़ सबसे बाद में आती है और इसलिए हलाल हो जाती है अगर मुख्य पृष्ठ पर किसी बड़े सौदे की खबर छपी है तो ज़्यादातर मामलों में बहुत देर हो चुकी है किसी नए सौदे की तलाश करें जैसा हम तैरने वालों से कहा करते हैं हमेशा एक और लहर आती है जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं वे अक्सर धरासायी हो जाते हैं स्मार्ट निवेशक बाज़ार की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं अगर एक लहर चली गई है तो वे अगली लहर की खोज करते हैं और खुद को पोजीशन में कर लेते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए यह मुश्किल होता है क्योंकि जो लोकप्रिय नहीं है वह खरीदना उनके लिए डरावना होता है डरपोक निवेशक उस भीड़ के झुंड की तरह होते हैं जो भीड़ के साथ ही चलते हैं या उनका लालच उन्हें उस समय अंदर लाता है जब समझदार निवेशक मुनाफा कमाकर बाहर जा चुके होते हैं समझदार निवेशक उस समय शेयर खरीदते हैं जब यह लोकप्रिय नहीं होता वे जानते हैं कि वे खरीदते समय मुनाफा कमाते हैं बेचते समय नहीं वे धीरज से इंतजार करते हैं जैसा मैंने कहा वे मार्केट की टाइमिंग को ध्यान में नहीं रखते हैं किसी तैरने वाले की तरह वे भी अगली बड़ी लहर के लिए खुद की पोजीशन कर लेते हैं यह इंसाइडर ट्रेडिंग या अंदरूनी सौदेबाजी है इनसाइडर ट्रेडिंग कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की होती है परंतु किसी भी तरह से देखें यह इंसाइडर ट्रेडिंग ही है फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप अंदर से कितनी दूरी पर हैं अंदरूनी जानकारी रखने वाले अमीर दोस्तों को बनाए रखने का एक कारण यह भी होता है क्योंकि पैसा यही बनाया जाता है यह सूचना के आधार पर बनाया जाता है आप अगले उछाल के बारे में जान लेते हैं प्रवेश कर लेते हैं और अगले गिरावट के पहले बाहर निकल आते हैं मैं यह नहीं कहता कि इसे गैरकानूनी तरीके से करें परंतु मैं यह ज़रूर कहता हूं कि आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलेगी आप उतने ही कम खतरे में उतना ही ज़्यादा लाभ कमा पाएंगे दोस्त इसलिए होते हैं और यही फाइनेंशियल बुद्धि भी है चार किसी फार्मूले की विशेषज्ञ बन जाए और फिर एक और नया फार्मूला सीख लें जल्दी सीखने की ताकत ब्रेड बनाने के लिए हर बेकर का एक फार्मूला होता है चाहे वह उसके दिमाग में ही क्यों ना हो यही पैसा बनाने के बारे में भी सही है इसलिए धन को अक्सर डो भी कहा जाता है हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह कहावत सुनी है आप वह हैं जो आप खाते हैं मैं इसी कहावत को दूसरी तरह से कहना चाहूँगा मैं कहता हूँ आप वह बनते हैं जो आप पढ़ते हैं दूसरे शब्दों में आप सावधान रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं या आप क्या सीख रहे हैं क्योंकि आपका दिमाग इतना ज़्यादा ताकतवर है कि आप जिस चीज़ के बारे में सीखेंगे आप वही बन जाएंगे उदाहरण के तौर पर अगर आप कुकिंग सीखते हैं तो आप कुक बन जाते हैं अगर आप कुक नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कोई और विषय पढ़ना चाहिए जैसे एक स्कूल टीचर शिक्षण का अध्ययन कर लेने के बाद आप अक्सर शिक्षक बन सकते हैं और इसी तरह सिलसिला जारी रह सकता है अपने अध्ययन के विषय को सावधानी से चुने जब पैसे की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों के पास वही एक मूलभूत फार्मूला होता है जो उन्होंने स्कूल में सीखा था और वह फार्मूला है पैसे के लिए काम करो संसार में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय फार्मूला यही है जिसके कारण हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं और काम पर जाते हैं पैसा कमाते हैं बिल चुकाते हैं चेकबुक को बैलेंस करते हैं कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और फिर से काम पर चले जाते हैं यही उनका मूलभूत फार्मूला या नुस्खा है अगर आप जो कर रहे हैं उससे आप थक गए हैं क्या आप पर्याप्त नहीं काम कर रहे हैं तो आपको अपने पैसे बनाने के फार्मूले को बदल लेना चाहिए बहुत समय पहले जब मैं छब्बीस साल का था मैंने साप्ताहान की एक कक्षा में भाग लिया जिसका शीर्षक था किस तरह रियल इस्टेट फोर क्लोजर्स को खरीदें मैंने एक फार्मूला सीख लिया अगला कदम था अपने सीखे हुए सिद्धांत को असली जीवन में आजमा कर देखना यहाँ पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं तीन सालों तक जब मैं जीरोक्स के लिए काम कर रहा था मैं अपने खाली समय में फोर क्लोजर्स को खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा मैंने उस फार्मूले से कई करोड़ डॉलर कमाए परंतु आज यह बहुत धीमा फार्मूला है और फिर भी बहुत से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं एक बार मैं उस फार्मूले का विशेषज्ञ बन गया तो मैं दूसरे फार्मूलों की खोज करने लगा कई कक्षाओं में मुझे कोई नई जानकारी सीधे रूप में नहीं मिली परंतु मैंने हमेशा कुछ न कुछ नया ज़रूर सीखा मैंने ऐसी बहुत सी कक्षाओं में भाग लिया है जो केवल डेरिवेटिव्स सौदेबाजों के लिए आयोजित की गई थी और वस्तुओं के ऑप्शन सौदेबाजियों के लिए तथा अराजकतावादियों के लिए आयोजित कक्षाओं से भी मैं गया हूँ मैं अपने दायरे से पूरी तरह बाहर पहुँच गया था और एक ऐसे कमरे में था जहाँ परमाणु भौतिकी और स्पेस साइंस के विशेषज्ञों भी की भीड़ थी परंतु मैंने वहाँ बहुत कुछ सीखा जिससे मेरा स्टॉक और रियल इस्टेट निवेश ज़्यादा अर्थपूर्ण और फ़ायदेमंद बन गया ज़्यादातर जूनियर कॉलेजों और सामुदायिक कॉलेजों में फाइनेंशियल प्लानिंग या पारंपरिक निवेश को खरीदने के तरीकों पर कक्षाएँ आयोजित की जाती हैं शुरुआत करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है तो मैं हमेशा एक ज़्यादा तेज़ फार्मूले की खोज करता रहता हूँ इसी कारण नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमा लेता हूँ उतना कमाने में कई लोगों को पूरी ज़िंदगी लग जाते एक और बात आज की तेज़ी से बदल रही दुनिया में आप कितना जानते हैं यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह गया है क्योंकि प्रायः आज आप जितना जानते हैं वह पुराना हो चुका है महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी तेज़ी से सीखते हैं यह कला अनमोल है ज़्यादा तेज फार्मूले ढूँढने में यह बहुत काम आती है पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना एक पुराना फार्मूला है जो गुफा मानव के ज़माने में पैदा हुआ था पाँचवा खुद को सबसे पहले वेतन दे खुद पर अनुशासन की ताकत अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाते तो अमीर बनने की कोशिश भी न करें आपको इसके पहले मरीन कॉर्प्स या किसी धार्मिक संस्था में जाना चाहिए ताकि आपको खुद पर काबू रखना आ जाए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि निवेश करें पैसा कमाएं और उसे फूंक दें खुद पर अनुशासन की कमी के कारण ही करोड़ों डॉलर की लॉटरी लॉटरी जीतने वाले लोग जल्द ही दिवालिया हो जाते हैं यह खुद पर अनुशासन की कमी है जिससे तनख्वाह बढ़ने पर लोग तत्काल बाजार जाकर नई कार खरीद लेते हैं या विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं यह कहना कठिन है कि दस कदमों में कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है परंतु सभी कदमों में से इस कदम की विशेषज्ञता सबसे कठिन है अगर यह आप में पहले से ही मौजूद ना हो मैं तो यह भी कहना चाहूँगी कि खुद पर अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को तीन समुदायों में बांटता है अमीर गरीब और मध्यम वर्ग सीधे तरीके से कहे तो जिन लोगों में आत्मसम्मान कम होता है और जो फाइनेंशियल दबावों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते वे कभी अमीर नहीं बन सकते और कभी नहीं का मतलब होता है कभी नहीं जैसा मैंने पहले बताया था मैंने अपने अमीर डैडी से यह सबक सीखा था कि दुनिया आपको इधर उधर धकेलेगी दुनिया लोगों को इधर उधर धकेलती है तो इसलिए नहीं क्योंकि बाक़ी लोग गुंडे होते हैं बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन की कमी होती है जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है वे अक्सर उन लोगों के शिकार हो जाते हैं जिनमें आत्म अनुशासन होता है मैं जिन व्यावसायिक कक्षाओं में पढ़ाता हूँ वहाँ मैं लोगों को लगातार यह याद दिलाता हूँ कि वे अपने सामान या सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित न करें बल्कि मैनेजमेंट की कला पर अपना ध्यान केंद्रित करें अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मैनेजमेंट दक्षताएँ हैं पहला कैश फ्लो या मैनेजमेंट दूसरा लोगों का मैनेजमेंट और तीसरा व्यक्तिगत समय का मैनेजमेंट मैं यह कहूँगा कि ये तीन दक्षताएँ केवल व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के काम की हैं ये तीनों आपकी जीवन शैली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं व्यक्ति के रूप में परिवार के सदस्य के रूप में व्यवसाय में किसी धर्मार्थ संगठन में शहर या देश में ये सभी दक्षताएं आत्म अनुशासन को साधने से बढ़ जाती हैं मैं खुद को सबसे पहले भुगतान करूं सिद्धांत को हल्केपन से नहीं लेता जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबोलोन में खुद को सबसे पहले भुगतान करे का वक्तव्य सबसे पहले आया था इस पुस्तक की करोड़ों प्रतियां बिक चुकी हैं परंतु हालांकि करोड़ों लोग इस जब चर्च को दोहराते हैं बहुत कम लोग ही इस सलाह का पालन करते हैं जैसा मैंने कहा है फाइनेंशियल साक्षरता अंक पढ़ने की योग्यता देती है और अंक कहानी बता देती है किस आदमी की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देख मैं तत्काल यह देख सकता हूँ कि जो लोग खुद को सबसे पहले भुगतान करें के सिद्धांत का राग लाते रहते हैं वे दरअसल इसका कितना पालन करते हैं एक चित्र हज़ार शब्दों के बराबर होता है तो एक बार फिर हम ऐसे लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, की तुलना करें जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं। वे लोग जो खुद को सबसे पहले भुगतान करते हैं वो रोज़गार से कमाते हैं और उसे थोड़ा व्यय करते हैं और संपत्ति वाले कॉलम में निवेश करते हैं फिर वहाँ से भी इनकम उनको प्राप्त होता है और फिर उसे व्यय करते हैं चित्रों का अध्ययन करें और देखें कि क्या आप कुछ अंतर पकड़ सकते हैं इसके लिए कैश फ्लो की समझ जरूरी है जिससे कहानी बताई जाती है ज़्यादातर लोग अंक देखते हैं और कहानी को अनदेखा कर देते हैं अगर आप सचमुच कैश फ्लो की ताकत को समझना शुरू कर देते हैं तो आपको जल्द ही यह पता चल जाएगा कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में कहाँ गड़बड़ी है और नब्बे फीसदी लोग क्यों जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी मदद की ज़रूरत क्यों होती है क्या आप इसे देख सकते हैं पिछले पृष्ठ पर दिया हुआ चित्र उस व्यक्ति के काम दर्शाता है जो खुद का भुगतान सबसे पहले करता है हर महीने अपने मासिक खर्चों का भुगतान करने से पहले भी अपनी संपत्ति वाले कालम में पैसा डालते हैं हालांकि करोड़ों लोगों ने क्लासेन की पुस्तक पढ़ी है और खुद को सबसे पहले भुगतान करे का सिद्धांत समझा है परंतु हकीकत में वे खुद को सबसे आखिर में भुगतान करते हैं अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूँ जो अपने बिल्स का भुगतान सबसे पहले करने में गंभीरता गंभीरतापूर्वक विश्वास करते हैं और मैं यह भी सुन सकता हूँ कि सभी जिम्मेदार लोग अपने बिल समय पर चुकाते हैं मैं यह नहीं कहता कि आप गैर जिम्मेदार हो जाएं और अपने बिल का भुगतान न करें मैं सिर्फ यह कहता हूँ कि आप वही करें जो यह पुस्तक आपको सिखाती है यानी खुद को सबसे पहले पैसा दें और पिछले पृष्ठ पर दिया गया चित्र इसी सिद्धांत का सही लेखांकन चित्र है जबकि बाद में आने वाला चित्र पूरी तरह से गलत है ऐसा व्यक्ति जो हर एक को पहले चुकाता है आखिर में उसके पास अक्सर कुछ नहीं बचता अर्थात तो वह रोजगार से आय प्राप्त करते हैं और फिर उससे व्यय करता है वो अपने संपत्ति वाले कालम में कुछ भी नहीं डालता मेरी पत्नी और मेरे पास कई बुक कीपर्स अकाउंटेंट्स और बैंकर हैं जिन्हें शुरू में हमारे इस खुद को सबसे पहले पैसा दे सिद्धांत से बहुत समस्या होती थी इसका कारण यह है कि यह फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स भी दरअसल वही करते हैं जो जो कि जनता करती है यानी खुद को सबसे आखिर में पैसा देते हैं वे बाकी लोगों को सबसे पहले पैसा देते हैं मेरे जीवन में ऐसे महीने भी आए हैं जब किन्हीं कार्डों से मेरा कैश फ्लो मेरे बिल से काफ़ी कम रहा है फिर भी मैंने खुद को ही सबसे पहले पैसा दिया मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर चीखने लगे वे आपके पीछे पड़ जाएंगे आपको जेल भी हो सकती है आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ लेंगे वे लोग बिजली काट देंगे मैंने फिर भी सबसे पहले खुद को ही पैसा दिया आप पूछेंगे क्यों क्योंकि द रिचेस्ट मैन इन बेवुलेन की कहानी इस बारे में है खुद पर अनुशासन की ताकत और आंतरिक सहन शक्ति के बारे में इसे बोल चाल की भाषा में गुर्दा भी कह सकते हैं जैसा मेरे अमीर डैडी ने मेरी नौकरी के पहले माह में मुझे बताया था कि ज़्यादातर लोग दुनिया की ठोकरें सहन करते रहते हैं पैसे वसूलने वाला आता है और आप या तो पैसे चुकाओ वरना तो आप उसे पैसे दे देते हैं और खुद को पैसे नहीं देते हैं एक सेल्स क्लर्क कहता है आप इसे अपने चार्ज कार्ड में डाल लें आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है आगे बढ़े चलो घर खरीदने पर सरकार आपको टैक्स में छोड़ देती है पूरी पुस्तक दरअसल इसी बारे में है आप में धारा के विरुद्ध जाने का और अमीर बनने का गुर्दा होना चाहिए हो सकता है कि आप कमज़ोर ना हो परंतु जब पैसे की बात आती है तो कई लोगों का हौसला पस्त होने लगता है मैं यह नहीं कह सकता कि आप गैर जिम्मेदार बने मुझ पर ज़्यादा कर्ज नहीं है क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी नहीं और इसलिए है क्योंकि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं अपनी आय को कम से कम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता इसलिए आप में से जिन लोगों ने सीक्रेट ऑफ द रिच नाम का वीडियो देखा होगा उन्हें मैं यह बता दूं कि मेरी आय नेवादा के कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कालम से आती है अगर मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ परंतु मुझमें इतनी आर्थिक समझ है कि मैं किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूँ मैं कंज्यूमर कर्ज को पसंद नहीं करता हूँ मेरे पास इतने दायित्व तो हैं जो 99 फीसदी लोगों से ज़्यादा हैं परंतु उनका भुगतान मैं नहीं करता बल्कि दूसरे लोग मेरी देनदारियों को चुकाते हैं वे मेरे किरायादार कहलाते हैं तो खुद को पैसा देने में पहला नियम यह है कि कभी कर्ज में मत फंसो हालांकि मैं अपने बिल्स का भुगतान सबसे आखिर में करता हूँ परंतु मैं केवल कुछ महत्वहीन बिल्स ही बचा कर रखता हूँ दूसरी बात यह कि जब भी मेरे पास पैसा कम होता है तब भी मैं खुद को ही सबसे पहले पैसे देता हूँ मैं कर्ज़ देने वालों और सरकार को चीखने देता हूँ जब वे कठोर होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है क्यों क्योंकि ये लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं वे मुझे प्रेरित कर रहे हैं कि मैं चाहूँ और ज़्यादा पैसा कमाऊँ तो मैं खुद को सबसे पहले पैसा देता हूँ उस पैसे को निवेश करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने देता हूँ मैं वैसे आमतौर पर उन्हें सही समय पर भुगतान कर देता हूँ मेरी पत्नी और मेरी साख बहुत अच्छी है हम केवल दबाव में नहीं आते हैं और कर्ज उतारने के लिए अपनी बचत का इस्तेमाल नहीं करते हैं। न ही उसके लिए अपने स्टॉक को बेचते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है तो जवाब यह है पहला ऐसे बड़े कर्ज में न फंसे जिसका भुगतान आपको करना हो अपने खर्चों को सीमित रखिए अपनी संपत्ति को सबसे पहले बनाएं, फिर बड़ा घर या शानदार कार खरीदें चूहा दौड़ में फंसे रहना समझदारी नहीं है दूसरा जब आपके पास पैसा कम हो तो दबाव को बढ़ने दें और अपनी बचत या निवेश को खर्च न करें उस दबाव को अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल करें ताकि आप ज़्यादा पैसा कमाने और अपने बिल्स का भुगतान करने के लिए नए तरीकों के बारे में सोच सकें इससे ज़्यादा पैसा कमाने की आपकी योग्यता भी बढ़ेगी और आपकी फाइनेंशियल बुद्धि भी ज़्यादा विकसित होगी फ्री में हिंदी ऑडियो बुक सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों धन्यवाद